हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और इधर सारे कपड़े सूखे हुए हैं, आप इन पे ध्यान मत दीजिएगा। और तारीख 9 तारीख आज बता देती हूँ और दिन है संडे का। बस मैं मतलब कि नहा धो ली हूँ और मैंने ये वाला कुर्ता पहन लिया। आप लोग बताना आपको ये कैसा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बस अभी इधर मैंने बनाए हैं आज नमकीन चावल बोलते हैं हमारी साइड में, तो देखती हूँ हो गए क्या। तो बस आज के खाने में सिर्फ यही है। तो ये देखिए बन गए अच्छे से। तो चलिए अभी मैं डाल लेती हूँ खाने में, मतलब थाली में डाल लेती हूँ, इनको भूख लगी है और आज इनकी हाफ ड्यूटी है। तो ये भी अभी मतलब आ चुकी है, दोपहर का टाइम हो गया है। तो मैंने सीधा वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और वो अभी अभी को खाना खिला रहे हैं उसी रूम में और उसके बाद में हम लोग खाएंगे। और पहले मैं क्या करती हूँ, हाँ ये रही उनकी कटोरी जो हमारे पास में आए है ना, मैंने आपको बताया था। तो उनकी कटोरी थी, इसमें एक दिन उन्होंने सब्जी डाल के दी थी शायद, हाँ दाल डाल के दी थी। तो बस इसमें मैं उनको नमकीन चावल लिए डाल के दे दूँगी, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि मैं खाली कटोरी वापस देती नहीं। जो कुछ मतलब लाते तो बोलते खाली बर्तन वापस नहीं देना चाहिए, तो मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं भी मतलब वैसे डाल के दे देती हूँ। तो चलिए अभी पहले उनको देख के आती हूँ, बाद में हम लोग खाते हैं खाना। और उसके बाद में काम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा किचन फैला पड़ा, आज दिखा नहीं रही हूँ। बर्तन कुछ नहीं है, बस एक ये दही वाला है और इधर कुछ ट्रे वगैरह ये है। ये मैंने सोचा बाद में सारा किचन क्लीन करूँगी ना, तब कर लूँगी इनको अच्छे से ठीक। तो देखती हूँ। और कपड़े सुबह में धो दिए थे, पूरे घर में कपड़े कपड़े हो रखे है, स्टैंड नहीं है। और बारिश का मौसम है और बारिश चली जाएगी उसके बाद में कपड़ों मतलब कपड़े छत पे हम सुखा पाएंगे, तब तक इधर अंदर ही ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। और अभी चलिए खाना डाल लेते हैं और आप लोग भी खा लीजिए। तो ये लीजिए फाइनली थाली लग चुकी है और आप लोग भी खा लीजिए नमकीन चावल या पुलाव, जो आप बोलो आपकी मर्ज़ी। लेकिन सच में मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे भी कभी कभार ही बनाते हैं, मतलब कि महीने में 2-3 बार ही बना पाते, ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं देने के लिए जा रही थी, वो दीदी है उन्हीं को कटोरी देने के लिए जा रही थी। उसके बाद में हम यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए। तो अभी को उसके पापा ने मुँह में आलू का टुकड़ा दे दिया था छोटा सा, तो उसने सेम टाइम वापस डाल दिया, शायद को पसंद नहीं आया होगा। और ये हमें देख के खाना खा रहा था, तभी हम इसके पास में बैठ जाते, क्या पता हमें देख के ये भी कुछ खाने को मतलब इसका भी मन कर जाए। तो आज इसने मतलब 2-3 चम्मच इसने थोड़ी थोड़ी करके खाई थी, लेकिन अभी खाने लगा थोड़ा स्पाइसी। मैगी भी खा लेता है, शाम के टाइम अधिकतर ये मैगी खाता है। तो वैसे इसको खिला रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी अभी आप लोगों को नमस्ते बोल रहा था, तो प्लीज़ अभी के लिए एक लाइक कर देना आप लोग। और तो खाना खाने के बाद में फिर अभी को सुलाया मैंने, थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे। अभी को सुलाते वक्त कभी कभी क्या होता, मुझे भी नींद सी आने लगती है, लेकिन नहीं, मैंने सोचा आलस नहीं करते, अपना काम निपटा लेते हैं पहले ही, क्योंकि बाद में शाम के टाइम अभी के पापा घर पर ही थे, तो सोचते कि अभी को कहीं बाहर ले जाए खिलाने के लिए। तो अगर काम जाता तो मन नहीं करता जाने का, बस पूरा काम कंप्लीट हो कुछ भी नहीं रहता, तो ये होता कि चलो चलते हैं अभी को बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो बस अभी सारे बर्तनों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और बर्तन मैं क्लीन आप लोग देख रहे हो व्यूम वाले से करती हूँ, सच में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये महंगा भी बहुत पड़ता है। मैं सोच रही हूँ साबुन ले आऊँ, क्योंकि साबुन थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। तो बस उसके बाद में यहाँ पे सारे बर्तन हो चुके थे, तो यहाँ पे इंडक्शन को मैंने साफ़ कर दिया है और इंडक्शन है हमारा ठीक हो चुका है। 800 रुपये लगे थे इसको ठीक कराने के, लेकिन अब ये अच्छे से चलता है। और शायद ये ख़राब भी मेरी वजह से ही हुआ था, क्योंकि मैं इसको आपने देखा भी साबुन से साफ़ करके वैसे गीला मतलब पूरा हो जाता है। और ये टच स्क्रीन वाला है, इसकी डिस्प्ले में शायद पानी वगैरह कुछ चली जाए तो ख़राब हो जाती है। तो शायद मैं सोचती हूँ कि क्या पता मेरे ऐसे साफ़ करने से ये ख़राब हो गया होगा, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती इसको ऐसे साफ़ करने में, क्योंकि अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल न्यू न्यू सा लगता है। तो अब देखते कितने दिन तक ये चलता है। तो
तो यहाँ पे बस अभी मैं स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, गैस को भी कर दूँगी। एक बार इस कपड़े से पूरी साबुन को पोंछ लूँगी, कपड़ा काफ़ी अच्छा आता है, कॉटन में है ये, तो ये एक पूरी साबुन को एक साथ में मतलब सोख लेता है, पानी ज़्यादा सोखता है ये वाला कपड़ा। तो पूरी साबुन को मैंने साफ़ कर दिया स्लेब की, उसके बाद में गैस को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी के नाखून कट कर रही थी पैरों के, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े से हो गए थे। फिर ये सोचती रहती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, ऐसे में टाइम निकल जाता है और क्या होता है ये सोता है तब मैं किसी काम के लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ। लेकिन फाइनली अभी के नाखून कट कर दिए थे मैंने, और हाथों के पहले कर दिए थे, अभी पैरों के कर रही थी। तो ये बीच बीच में खड़ा हो रहा था, क्योंकि बच्चों को हो जाता है ना, पता चल जाता है नींद में उनको, तो ये अचानक से बैठ गया था नींद में, तो मैंने उसको वापस बुलाया। मुझे हंसी आ गई थी कि अभी तो ऐसे अचानक बैठा कैसे हो गया। तो ये दोनों पापा बेटे अभी आराम से सो रहे थे, और उसके बाद में नाखून कट करते करते अभी की भी आँख खुल गई। फिर मैंने उसको खड़ा कर लिया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, अगर शाम को फिर ये ज़्यादा सोता तो फिर रात को नहीं सोता है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको किचन दिखा रही, सारा किचन क्लीन है, और अभी को भी मैंने दूध पिला दिया है। और ये मैं इधर दिखा रही थी, ये जिस दिन मैं कुर्ते लेके आई थी ना, उसी दिन मैं ये स्पिनचुला बोलते क्या बोलते इसको, ये मैं लेके आई थी। तो बस अभी चाय बन चुकी है, जल्दी से चाय डाल लेते हैं। तो ये लीजिए शाम की चाय बन चुकी है, और अभी खड़ा हो गया, उसको दूध भी पिला दिया मैंने और चाय भी बना ली है। अभी हम लोग पियेंगे चाय, उसके बाद में देख रहे हैं अभी को बाहर ले जाएंगे शायद, लेकिन बारिश आने वाली हो रही है, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये लीजिए आप भी गर्मा गर्म शाम की चाय पी लीजिए। यहाँ पे अभी मैं घर पे बात कर रही थी, पहले ये कर रहे थे उस कमरे में, खिड़कियों के पास यहाँ पे नेटवर्क आता है, तो यहाँ पे किचन के सामने खिड़की है ना, तो यहाँ पे नेटवर्क आता है। तो मैंने इनको बोला कि आप यहीं पे आके चाय पी लीजिए, और मैं भी यहीं पे पी लेती हूँ। तो मैं साथ साथ में बातें कर रही थी, साथ साथ में चाय पी रही थी। और इस फ़ोन में क्या होता है ना, या तो स्पीकर पर बात हो सकती है, या फिर ये लीड लगा के बात कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी है वो फ़ोन को फेंकता रहता है, कभी ना कभी बहुत बार इसको पटक दिया उसने, तो इसी वजह से हो गया, और फिर सही भी नहीं करा पाते हैं, मतलब कि बारी बारी में इनको। तो बस अभी बात कर ली थी मैंने घर पे और चाय पी ली थी, उसके बाद में हम बाहर जाने के लिए रेडी हो गए थे। रेडी तो क्या होना था, मैं तो रेडी थी, बस बाल बनाने थे वो बना लिए थे, और अभी को चप्पल वगैरह पहना ली। तो अभी हम जा रहे थे, तो मैं अभी को अभी क्या होता है सीढ़ियों पे चलना उतरना सिखा रही थी इसको, चढ़ना उतरना। तो बस अभी नीचे आ गए थे, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि बारिश हुई थी जस्ट थोड़ी देर पहले ही, बारिश हुई थी, और मैंने आपको बताया था बारिश होने वाली है, तो बीच में बारिश हो गई थी। तो अभी देखो कितनी शैतानी करता, पानी में पैर लगा रहा है। तो बस चलिए अभी चलते हैं अभी को, जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं वहीं पे आपको लेके चलती हूँ। तो ये देखिए अभी को हम लेके आ गए यहाँ पे खिलाने के लिए, और ये पार्क है बच्चों का, तो उसी में हम अभी को खिला के लाए थे। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद में थोड़े से काम निपटाए, दूध गर्म किया, अभी की बोतल वगैरह रखी थी उनको धोया। उसके बाद में यहाँ पे मैं अभी तैयारी कर रही थी पेड़े बनाने की, और यहाँ पे मैंने 1 kg दूध लिया है, 2 पैकेट एक्स्ट्रा थे, तो मैंने सोचा इनको यूज कर लेते हैं, कुछ मीठा बना लेते हैं घर में ही, और आजकल बाहर से तो मीठा वगैरह कुछ भी हम ला नहीं रहे हैं। वैसे मैं दूध की मिल्क केक अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन इनका मन था कि इस बार पेड़े बना लो आप, तो बस वही मैं बना रही थी। तो दूध मैंने रख दिया है, इस पर बॉयल होता रहेगा, थोड़ा सा गर्म होगा तब तक मैं बाकी के काम कर लूँगी, और बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। इलायची पाउडर डाल दूँगी मैं, 2-3 इलायचियाँ ली है, इनको इस माम दस्ते में मतलब कूट के अच्छे से वो डाल दूँगी। और मैं अभी से बातें कर रही थी, बीच बीच में वो आ रहा था मेरे पास में, उसको सूप खाने का होता आजकल, पता नहीं उसको सूप क्या अच्छी लगती है। तो अभी मैंने अभी को भी सूप खिला दी, और यहाँ पे अभी मैंने बाद में तो बहुत मतलब टाइम बाद में आपको दिखा रही हूँ, दूध कड़ कड़ के आधा होने लगा है यहाँ पे, अच्छे से बॉयल आ गया, और साइड में लग रहा था इसको भी मैं उतार रही थी,
और ये इंडक्शन मैंने फुल पे ही किया हुआ था क्योंकि जल्दी बन जाए, मैं सोच रही थी कि जल्दी हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अभी थोड़ा टाइम और लगना बाकी है। हम सोचते कि हो गया लेकिन थोड़ा एंड में भी टाइम लगता ही है। तो यहाँ पर छींटे लग रही थी इसकी, और ये जो चमचा ये भी छोटा ही था तो इसकी वजह से ज़्यादा छींटे लग रही थी। तो बस अभी आधे से आधा हो गया था, तो अब मैं इसके अंदर जो मिल्क पाउडर आता है ना वो भी मैंने इसमें डाला था, मतलब 20-20 ग्राम के पैकेट थे शायद वो दो, तो एंड में मैंने वो डाल दिया था इसके अंदर। तो ये देखिए उसके बाद में ऐसा होगा, और ये नीचे लग भी गया था क्योंकि मेरी नॉन स्टिक की कढ़ाई है ना, ये नीचे से मतलब कि ऐसे मैं इसके अंदर स्टील के चमचे यूज़ कर लेती हूँ ना तब ये ख़राब हो गए नीचे से, तो इसके अंदर लग जाता है। तो मैं ये दिखा रही थी आपको, फिर मैंने लगा हुआ को मतलब निकाला नहीं। और उसके बाद में ये थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने चीनी पीस के रखी थी, बस अब मैं इसको डाल दूँगी। और सच में गाइज आप सबको ही पता है दूध से बनी हुई मिठाई मावा तो सबको ही अच्छा लगता है, और ये पेड़े काफ़ी अच्छे बने थे। तो मैंने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया था, तो ये देखिए फाइनली यहाँ पर मैं पेड़े बना रही थी और बहुत अच्छे काफ़ी इजीली बन रहे थे। और सारे पेड़े मैं ऐसे बना लूँगी। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो पिस्ता की कतरन होती है, मैंने पिस्ता को कट करके रखा था, वो मैंने इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए लगा दिया है। बहुत ही अच्छे बने थे, लेकिन मैंने थोड़ा ही बनाया था प्योर, मतलब जो मावा होता है दूध का उसके ये पेड़े। तो ये देखिए पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं, अगर आप भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसे बनाना, और काफ़ी अच्छे बने हैं। थोड़ा सा जो मावा होता है इसको मैंने मतलब टेस्ट भी किया था, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो ये लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और वैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी मतलब इतना नहीं हमारी साइड करते हैं जन्माष्टमी का, मतलब कान्हा जी जो गोपाल जी होते हैं वो हमारे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस साल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर लेके आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर जन्माष्टमी में शायद मैं लेके आ सकती हूँ घर पर कान्हा जी को। तो ये लीजिए जन्माष्टमी की आप लोगों को एडवांस में बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आप लोग भी बनाएंगे पेड़े। तो ये तो बन चुकी है और अभी मुझे बनाना है, मतलब रात का टाइम और अभी, तो देखती हूँ खाने में भी क्या बनाती हूँ। शाम के टाइम फिर बाहर गए उसके बाद आने के बाद में बस इनमें लगी दूध वगैरह गर्म किया, आगे की बोतल वगैरह गर्म की। तो अभी मैं चीला बनाने का सोच रही हूँ बेसन के चीले, नॉर्मली बस वही खा लेंगे, रोटी नहीं बनाऊंगी, सब्जी रोटी में काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी। तो सारे पेड़े बनाने के बाद में जो बर्तन हो गए थे उनको मैंने पहले क्लीन किया था, उसके बाद में जो इसका चीले का जो घोला था वो मैंने तैयार कर लिया था, और इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है और आप लोग भी बनाते होंगे और काफ़ी अच्छे बनते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चीले खाना। और पता नहीं इस बार ये उलट क्यों नहीं रहे थे, मैंने इसमें शायद नींबू का रस थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, इसी वजह से थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए थे ज़्यादा ही ये। गाइस सारा काम कंप्लीट हो गया है, और ये मैंने अभी के लिए मैगी बनाई थी उसको खिला भी दी, लेकिन उसने इतनी सारी छोड़ दी तो ये मेरे को खानी है। और चिल्ला भी मतलब कि एक दो रह गए हैं वो बन रहे हैं, मैंने डाल के छोड़ दी है, टाइम लग रहा है उसमें, मतलब कि बिल्कुल लो मीडियम पे पकते हैं वो अच्छे से। और आज थोड़ा सा घोल उसका पतला हो गया था तो मतलब कि उसको उलट पाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन चिल्ले है वो मैं जैसे बनाती हूँ सच में बहुत अच्छे बनते हैं, और आप लोगों के भी अच्छे ही बनते होंगे। तो चलिए गाइस आज का भी छोटा सा मेरा ब्लॉग था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना ब्लॉग, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता, नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, अगर पोस्ट हो जाए तो दूसरा वीडियो स्टार्ट करने में फिर लेट हो जाती हूँ, एक ही फ़ोन से रिकॉर्ड करना अच्छे से पोस्ट करना होता है मेरा, तो इसी चक्कर में फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो जाती है, तो कभी पोस्ट करने में हो जाती है। तो देखते हैं कभी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और आज अभी ने सच में बहुत बड़ा मेरे लिए नुकसान कर दिया है, ये जो ट्राइप मोड है ना इसका जो ऊपर वाला आता है ये उसे DSLR का ट्राइप मोड है, लेकिन उसके ऊपर ये फ़ोन का हमने सेट कर रखा है, तो ये पहले भी थोड़ा टूटा हुआ था, अभी ने आज और तोड़ दिया, जैसे तैसे मैंने इसको लगाया है, देखते हैं दूसरा ऑर्डर करेंगे, फिर पता नहीं बाद में कब बीच में ज़रूरत पड़ जाए इसकी, तो देखती है वो तो, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा था। तो चलिए गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके जाया करो,
और अभी बस लास्ट में यही बोलूँगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।